वेलकम टू वेज किचन। आज हम बनाना सीखेंगे वेजिटेबल मसाला मैगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैगी किसको बनानी नहीं आती, बट यहाँ पे मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आजकल लॉकडाउन का टाइम है एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, जिन्हें मैगी मिल नहीं रही है मार्केट में। तो इस वीडियो में आज हम बनाना सीखेंगे कि बिना मैगी के वेजिटेबल मसाला मैगी कैसे बनाते हैं। तो वेजिटेबल मसाला मैगी बनाने के लिए आपको चाहिएंगे 3 नूडल केक, कोई सी भी टाइप की नूडल के केक ले सकते हैं आप, बस जो प्री रोस्टेड या जैसे वाई वाई में नूडल केक होते हैं वो मत लीजिएगा, नहीं तो आपका टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा। 2 पैकेट मैगी मसाला है मैजिक वेजिटेबल, जैसे प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, मटर और कोई और वेजिटेबल जो आपको पसंद हो। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 छोटी प्याज, 1 छोटा टमाटर और आधी शिमला मिर्च ले ली है और अब इनको मैं रफली चॉप कर लूँगा कुछ इस तरह से और फिर इसको साइड में रख दूँगा। फिर हम यहाँ पे 1/2 कप मटर उबाल लेंगे। यहाँ मैंने 3 केक नूडल्स के ले लिए हैं और आप कोई सी भी नूडल्स के केक ले सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, बट जो प्री रोस्टेड केक्स आते हैं वो नहीं लीजिएगा, जैसे कि बाय बाय में आता है। और ये आज की डिश का मेन इंग्रेडिएंट मैगी मसाला है मैजिक के 2 पैकेट। अब मैं एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा लूंगा, इसमें 1 चम्मच बटर डालूंगा। बटर के मेल्ट होने के बाद इसमें कटी हुई प्याज ऐड करूंगा और इसको गोल्डन होने तक चलाऊंगा। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसके मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। देखिए प्याज हल्की हल्की गोल्डन हो गई है, तो अब यहाँ पे मैं नमक डालूँगा स्वाद अनुसार और उसके बाद 1/2 चम्मच चिली पाउडर ऐड करूँगा और अब इसको हमें मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर और चलाना है। देखिए यहाँ पे प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है और यहाँ पे इसने बटर भी छोड़ दिया है नीचे, तो अब हम इसमें 1 पैकेट मसाला है मैजिक का ऐड करेंगे। अब ये जो मसाला हमने ऐड किया है इसको हम थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो इसके भूनने से क्या होता है, इसका जो फ्रेग्रेंस है और इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा उभर के आता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा इसे भूनेंगे। अब हमारा मसाला भुन चुका है, इसमें अब बाकी कटी हुई सब्जियां हम डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज भी डाली है क्योंकि जो भुनी हुई प्याज होती है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो इसका टेक्सचर मुझे पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी सी प्याज इसमें बाद में ऐड करी है। तो अब इन कटी हुई सब्जियों को ऐड करने के बाद हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम जस्ट पानी डालने से पहले उबली हुई मटर ऐड करेंगे। उबली हुई मटर को हम जस्ट पानी डालने से पहले ऐड करते हैं ताकि जो मटर में पानी अंदर गया हुआ है वो मटर छोड़ ना दे और उसके बाद फिर एक कच्चापन उसमें आ जाता है अगर मटर पानी छोड़ देती है तो। अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे, करीब 400 ml, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर मैगी ओवर कुक हो जाती है और अगर आपको मैगी ओवर कुक्ड यानी थोड़ी मोटी मोटी मैगी खाना पसंद है, ज़्यादा पानी वाली मैगी, तो आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 केक नूडल्स के डाल दिए हैं, उनमें से 1 केक मैंने क्रश करके डाला है ताकि उसमें हल्के छोटे नूडल्स भी हों और 2 केक्स मैंने इसमें साबुत डाले हैं ताकि जो नूडल्स हैं वो मेजरली मुझे लंबी लंबी मिले। और अगर आपको नूडल्स लंबी लंबी खाना पसंद नहीं है तो आप उन्हें 2 पीस में तोड़कर भी डाल सकते हैं। अब हमें मैगी को कंटिन्यूसली चलाते वक्त पकाना है और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो सारी नूडल्स हैं वो पानी में डिप्ड रहें
ताकि कोई नूडल कच्ची ना रह जाए। थोड़ी देर तक उबालने के बाद हम इसमें आधा पैकेट मैगी मसाले का और डालेंगे, क्योंकि जब मैगी मसाला हमारा कच्चा रहता है तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं हमेशा आधा पैकेट बाद में इसमें ऐड करता हूँ ताकि टेस्ट और ज़्यादा अच्छा है। इसको अब हम कंटिन्यूसली चलाएंगे जब तक पानी पूरी तरह से उड़ नहीं जाता, और चलाना इसलिए है ताकि नूडल्स नीचे ना लग जाए और जल ना जाए। तो देखिए हमारा सारा पानी सूख चुका है और नूडल्स नीचे चिपकने लगी हैं, तो इस पॉइंट पे आप लोग गैस बंद करेंगे, और अगर आपको मैगी थोड़ी मॉइस्ट खानी पसंद है तो आप गैस थोड़ा पहले बंद कर सकते हैं जब इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ हो। एंड अब आपकी मैगी सर्व करने के लिए तैयार है, और अब आप चाहें तो इसको खाते टाइम इसके ऊपर मैगी मसाला और स्प्रिंकल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।